नमस्कार दोस्तों, एयरटेल बहुत बड़ा धमाका करने वाला है क्योंकि एयरटेल प्लानिंग कर रहा है एयरटेल 5G टैरिफ प्लान लॉन्च करने की, वो भी इसी महीने के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अब आप एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क चला रहे हैं तो उसके लिए आपको वाया टैरिफ प्लान यूज़ करना पड़ेंगे और महंगे रिचार्ज करवाने भी पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करी जाए तो जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, एयरटेल के एम्प्लॉयज़ ही बोल रहे हैं कि जल्द ही एयरटेल मतलब इसी महीने के लास्ट में अपने एयरटेल 5G प्लस के लिए टैरिफ प्लान लॉन्च कर सकता है। मतलब एयरटेल कस्टमर्स को एक और बहुत भारी झटका लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को तो झटका लगेगा, कंफर्म है, लेकिन क्या एयरटेल को बहुत बड़ा इफेक्ट या बेनिफिट होने वाला है अपने 5G प्लस नेटवर्क के लिए टैरिफ प्लान लेके आ जाना? और क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो जियो के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एयरटेल जैसी ही टैरिफ प्लान लेके आता है तो वहाँ पे जियो को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से ग्राहक जोड़ने की। क्योंकि अभी तक जो भी एयरटेल ने काम किए हैं 5G से रिलेटेड, लगता है कि वो एयरटेल के ऊपर ही उल्टे पड़ गए हैं। और स्पेशलाइज बात करी जाए तो 5G नेटवर्क से रिलेटेड, क्योंकि जो भी 5G से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गई या वर्क के ऊपर हो गया, वो इतना सक्सेस नहीं रह पाया एंड कस्टमर तक पहुँचते। अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा करा है एयरटेल ने, लेकिन एंड कस्टमर तक कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबक बन जाता है। सबसे पहले बात करें तो लॉन्च की, जो कि लॉन्च करा एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर पोर्टेबल डिवाइस जल्दीबाजी में लॉन्च करा, क्योंकि जियो ने अनाउंसमेंट कर दी थी। फर्स्ट लॉन्च करने के चक्कर में कहीं ना कहीं पोर्टेबल डिवाइस जो रहा वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, मार्केट से हटाना पड़ गया। फिर दोबारा से जल्दी लॉन्च करा कि नहीं चलो पोर्टेबल कोई बात नहीं, एक जल्दी में एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर लॉन्च कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली 5G कनेक्टिविटी के ऊपर रहेगा। लेकिन वो भी चल नहीं पाया और 10-15 दिन में उसे भी हटाना पड़ गया, वो भी फ्लॉप रहा। लेकिन थर्ड वाला जो लॉन्च करा है, ये लास्ट और लेटेस्ट है अब तक का, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ लोगों की रीच से बाहर है और वो अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एयरटेल के 5G नेटवर्क के साथ, कहीं ना कहीं वो फाइट करने में लगा हुआ है। फिर दूसरी बात आती है एयरटेल के 5G नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि एयरटेल ने जो लॉन्च करा नॉन स्टैंड अलोंग पे अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करा, लेकिन उसे भी देख के हम ये नहीं कह सकते कि एंड कस्टमर मैक्सिमम खुश है। क्योंकि एयरटेल की जो टर्म्स एंड कंडीशन की आप 239 का या उससे ऊपर रिचार्ज करवाते हैं तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन एंड कस्टमर तक आप जाते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे ही बहुत सारी कमेंट आ जाएंगी कि क्या आपका अनलिमिटेड डेटा चल रहा है और आपने किसी को हॉटस्पॉट दे दिया या किसी भी छोटी सी गलती भी कर दी तो आपका अनलिमिटेड डेटा सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसे भी हैं जिनके 5G नेटवर्क भी आ रहे हैं, जिन्होंने कभी हॉटस्पॉट शेयर नहीं करा, लेकिन 4G कोटा में से ही डेटा कट रहा है। एक सबसे बड़ी परेशानी यह है। तो हम ये नहीं कह सकते एयरटेल नॉन स्टैंड अलोंग के साथ एक सक्सेसफुल नेटवर्क लेके आया आम लोगों के लिए, नहीं, ये एक कहीं ना कहीं फ्लॉप जैसा दिखाई देता है। फिर यहाँ पे जाके एक और कड़ी जुड़ जाती है नॉन स्टैंड अलोंग को लेके, कि हाँ कि कहीं ना कहीं जो फ्लॉप हुआ है वो एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर के लिए हुआ है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो कि एयरटेल के CEO गोपाल विट्टल ने बताया था कि एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर के लिए एयरटेल जो है अब स्टैंड अलोंग नेटवर्क पर वर्क कर रहा है और जल्द ही वो अपनी एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर सर्विस जो है लॉन्च करेगा और अभी 25 सिटी के अंदर अराउंड वर्क कर रहा है, मतलब मैक्सिमम जो है वो टेस्टिंग सिटी चल रही है। और जिस तरीके से एयरटेल ने जल्दीबाजी में क्लेम करा वो भी फ्लॉप होता हुआ दिखाई देता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं SBI क्रेडिट कार्ड में, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली आप रुपये कार्ड लेते हैं तो UPI पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट पे तो आपको मालूम ही है शॉपिंग करते तो उस पर 10% तक ऑफ मिली जाता है SBI के क्रेडिट कार्ड से, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए, क्योंकि बैंक के द्वारा डायरेक्टली ऑफर है तो वहाँ पे अप्रूवल की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है और साथ में आपको अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अभी ट्राई कीजिए, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल ने बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़ चढ़ के क्लेम किए, जैसे कि सबसे पहले एयरटेल एक्सस्ट्रीम एयर फाइबर को लेके 3300 GB ही डेटा देंगे। फिर जियो ने लॉन्च कर दिया 1000 GB, तो एयरटेल को लगा कि अरे नहीं, टक्कर नहीं ले सकते, 1000 GB कर देते। फिर इंस्टॉलेशन चार्ज पहले जियो लेके आया, फिर एयरटेल ने कहा अरे हम इंस्टॉलेशन चार्ज लेना भूल गए, इंस्टॉलेशन चार्ज भी 1000 रुपये लगा दिया। फिर डिवाइस को लेके बहुत मार झाड़ दी कि कौन से डिवाइस, फिर
तब तक जियो लेके आ ही चुका था, तो उसकी कॉपी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा एयरटेल को, तो फाइनलाइज हमें डिवाइस देखने के लिए मिल गया। वो बात अलग है कि हर डिवाइस डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जियो ने मल्टीपल कंपनियों के साथ टाई अप कर रखा है डिवाइस को लेकर, लेकिन एयरटेल का एक सिंगल ही यूनिट अभी तक हमें देखने के लिए मिली है। और बात करी जाए तो एयरटेल जल्दीबाजी में अपने 5G रिचार्ज या टैरिफ प्लान लेके आता है, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो एयरटेल के कस्टमर्स के ऊपर डालेंगे, क्योंकि तब कॉस्टली रिचार्ज होंगे और एक तरफ आपको अनलिमिटेड डेटा फ्री मिल रहा है, 1 GPS की स्पीड मिल रही है, तो जियो को और ज़्यादा मजे आ जाएंगे। मेरी राय खुद की पर्सनल ये है कि एयरटेल को वेट करना चाहिए थोड़ा सा, और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से एंड यूजर तक बेनिफिट पहुंचे। ये अपनी एक अच्छी वेल स्टडी कर ली है कि कितने तक रिचार्ज लेके जा सकते हैं और कितना लोग बर्डन झेल सकते हैं कि अच्छे 5G नेटवर्क के लिए, नहीं तो जियो के मूवमेंट का वेट करना चाहिए, क्योंकि जियो भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि उसकी मैक्सिमम रीच कहां तक, क्योंकि अभी जो हमें देखने के लिए मिली है वो 10 करोड़ 80 लाख देखने के लिए मिल रही है और कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रही है, कम तो नहीं हो रही है। और जियो ने कहां तक प्लानिंग कर रखी है कि 25 करोड़ या 20 करोड़ के बाद, या इस मतलब 2024 एंड या 2025 शुरू में वो अपने 5G रिचार्ज लॉन्च करेगा, क्योंकि अभी दोनों की टक्कर तो बराबर की चल रही है, फायदा तो एंड कस्टमर को हो रहा है, लेकिन एयरटेल को पूरी वेल स्टडी करना चाहिए, जल्दीबाजी में रिचार्ज नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर जो है ऑलरेडी ब्लो चल रहा है जियो से, वो मूव करके जियो में पहुंच जाएगा। तो इसलिए अभी जल्दीबाजी में रिचार्ज लेके आना कहीं ना कहीं एयरटेल के ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन 1% चार्ज ये भी होता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि महंगे रिचार्ज करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी बात करी जाए तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र जो है अचीव कर रहा है, और सबसे कम जो है वो BSNL है, जो कि बहुत ज़्यादा बॉटम लेवल पे वर्क कर रहा है। तो इसलिए अभी एयरटेल को वेट करना चाहिए, लेकिन अभी जल्दीबाजी में लेके आता है तो देखते हैं और वेट करते हैं इस मंथ लास्ट तक क्या खास नई चीज़ें एयरटेल की तरफ से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि तब बात आती है एम्प्लॉयज़ की और इंटरनली तब बात आती है, क्योंकि एकदम प्राइस नहीं लीक होंगे या टैरिफ प्लान लीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एकदम टॉप लेवल की मीटिंग में डिसाइड होता है किस अमाउंट तक एंड यूजर्स को लेके जाया जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी बहुत देर में मालूम चलता है, तब तक तो ऑफिशियल रिलीज भी आ जाती है। देखते हैं कि एयरटेल लॉन्च करता है किस तरीके के प्लान लेके आता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में हलचल चालू हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा इफेक्ट 5G को लेके एयरटेल की तरफ से जल्दी कस्टमर को देखने के लिए मिलने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।